रुसा, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? बहुत खूबसूरत है आप ही, माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू। अभी तो देखना, मैं सारा डेकोर चेंज करा दूंगी, सब चीजें चेंज करा दूंगी। वलीद के घर से ना ज्यादा शशका होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। और ये क्या भाई, कुछ चाय पानी कुछ इंतजाम नहीं किया? अभी लेके आती हूँ। रुसा, और मैं तुम्हें अपना किचन भी दिखाती हूँ। मैंने ना नई क्रॉकरी ली है और नया डिनर सेट भी लिया है, बहुत अच्छा। बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आई हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आके। आंटी, वो वलीद या उसके पेरेंट्स ने रूसा के सिलसिले में कोई कांटेक्ट किया? मैं समझ सकती हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो। अभी तक तो सिर्फ खामोशी है, कोई बात नहीं की। बहुत ही बेवकूफ लड़का है वलीद, ऐसे कैसे अपनी अम्मी और बहन की बातों में आ गया और इतना जज्बाती फैसला ले लिया। आंटी, आप एक काम कीजिए, वलीद पे आपका इतना हक तो है ना कि आप उसके घर जाइए, उसके कान मरोड़िए और पूछिए ऐसा क्यों किया उसने। कोई हक नहीं है मेरा, कहने को तो वो मेरे भाई का घर है, लेकिन उस घर की दहलीज पार करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी अजनबी के घर की। अरे देखें, चाय आ गई। अरे ये क्या मौसम, तुमने अम्मी को अभी तक टीवी नहीं दिखाया। अम्मी, आपको पता है 50 इंच की है ये एलईडी, इतने अच्छे रंग आते हैं ना, उसे लगाओ ना। और जब हम मूवी लगाते हैं ना, लगाओ ना। हाँ हाँ, करो जल्दी करो, बड़ा मजा आता है कसम से। देखे देखे,